को, ठीक है तो कर देते हैं। क्या क्या कर रहे हैं बताओ बेटा, बात कर अपन। हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करनी है, किसकी बात कर रहे हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। अच्छा हिंसबर्ग बेटा बात कर, रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है गुड़िया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है बेटा बात कर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा बेंजीन सल्फोनिल जो क्लोराइड है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, समझ पा रहे हैं? इसका जो फॉर्मूला होता है गुड़िया बात करें, वो फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये तो इसका नाम है। ये इसका गुड़िया बात करें पता है साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में नाम दे रखा है, हिंसबर्ग एजेंट कॉमन नेम है। ये गुड़िया बात कर उसका केमिकल नेम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब उसका बेटा बात कर, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो केमिकल स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, समझ पा रहे, केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अच्छा केमिकल फॉर्मूला में क्या, जैसे एनसीईआरटी उस तरीके से लिख रखा है आपका, कि ये बेंजीन है हमारा, क्या है बताओ जल्दी बोलो, ये बेंजीन है। और बेंजीन का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, याद है अल्टरनेट बॉन्ड होता है बेटे डबल सिंगल। और यहाँ पे इस कार्बन का गुड़िया बात कर हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे अपने क्या जोड़ दिया, सल्फर, सल्फर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्या जोड़ दिया सीएल। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्लोराइड और एसओ टू ग्रुप सल्फोनिल, और ये बेटा बात कर क्या बेंजीन, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं अपन हिंसबर्ग रिएजेंट। अच्छा इसका यूज काहे के लिए करते बेटा बात कर, जो यूज करते हैं वो करते हैं बेटा बात करें क्या, डिस्टिंक्शन या गुड़िया बात करें क्या, समझ पाए, डिस्टिंक्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन, या फिर बेटा बात करें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द बेटा बात कर डिफरेंशिएट या बेटा बात कर डिफर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। तीनों टाइप के अमीन में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, तीनों को बेटा बात कर अलग अलग करना है, तो उनमें विभेद करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, हिंसबर्ग रिएजेंट का। अच्छा ल्यूकस रिएजेंट का भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। एक आपने यूज पहले कर चुके हो, किसकी रिएक्शन कराई थी याद है, एच एनओ टू की, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन, उसके ऊपर 5 स्टार लगा था कि क्वेश्चन आता ही है याद है। तो गुड़े बात करें यहां पर अगर अपन देखना चाहें ये क्या के लिए यूज कर रहे हैं बताओ बेटे, बात करें यूज्ड फॉर डिफरेंशिएट या डिफर 1 डिग्री मतलब कौन सा बेटे बात करें प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब कौन सा बेटे बात करें सेकेंडरी, तीसरा बेटे बात करें 3 डिग्री मतलब टर्सरी एमीन। मतलब बुढ़े बात करें एमीन्स को अलग अलग करने के लिए इनका यूज करते हैं। सबसे पहले उठा दे बेटा बात करें 1 डिग्री मतलब प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री मतलब क्या होता है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन में जो एनसीईआरटी ने उठाया एग्जांपल, जैसे आप तो बुढ़े कुछ भी उठा सकते हो है ना। अच्छा प्राइमरी एमीन सेकेंडरी टर्सरी एमीन में डिफरेंशिएट करना होता है, कैसे होता है, ये अमोनिया है गुड़िया, ये क्या है अमोनिया, आपसे कहा था अमोनिया मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, ये सा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है स्ट्रक्चर गुड़े, इसका होता है रियल में ट्राइगोनल प्लेनर, कैसा होता है बेटा बात कर, बिल्कुल नहीं होता है गुड़े, इसका होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, क्या होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, बस ये जानना चाह रहा था कि कितने जल्दी आप मेरे साथ देते हो। ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है बेटा बात कर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, इसको बोलते अमोनिया, क्या बोलते हैं अमोनिया। तो जो गुड़े बात के स्ट्रक्चर वो रियल में इस तरीके से होता है, क्योंकि लोन पे बॉन्ड पे में रिपल्सन होगा तो हाइड्रोजन यहाँ होगा, वो तो बनाने का तरीका है कि ताकि आपको कुछ अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा दें, रियल में स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, समझ पा रही है। और यहां पर अगर देखा जाए बेटा बात करें तो बॉन्ड बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होता है 107 डिग्री गुड़िया बात करें, ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहां बेटा बात कर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से इतना हो जाता है, बॉन्ड पे बॉन्ड पे पास आ जाते हैं। तो अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा के एक आर को गुड़िया बात कर लगा दो, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो एक आर से, आर मतलब क्या है मैथिल, आर मतलब क्या बेटा मैथिल, एथिल मतलब सीधी बात है नाइट्रोजन को कार्बन से जोड़ दो आप, जैसे मैंने मैथिल लगा दिया तो एक कार्बन जुड़ गया, अब ये प्राइमरी एमीन, दूसरा हाइड्रोजन हटा दिया दूसरा बेटा आपने आर लगा दिया मतलब फिर से एक कार्बन से जोड़ दिया, ये सेकेंडरी एमीन है। और अगर तीसरा भी हाइड्रोजन किसी आर से रिप्लेस कर रहे तो ये क्या है टर्सरी एमीन, कुछ समझ में आ रहा है। तो अमोनिया में गुड़े बात कर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाओ, एल्किल ग्रुप जोड़ते जाओ मतलब आर जोड़ते जाओ, मैथिल जोड़ो एथिल जोड़ो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब एथिल भी जोड़ोगे तब भी तो भैया नाइट्रोजन तो एक ही कार्बन से जुड़ेगा ना फर्स्ट कार्बन से, बाकी तो पीछे उसकी चेन चल रही है, तो इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी गुड़े बात कर क्या एमीन है ना। तो मुझे चाहिए यहां पर क्या प्राइमरी एमीन, क्या चाहिए बेटा बात करें, अच्छा जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन है ये क्या है बताओ बेटा बात करें अमोनिया डेरिवेटिव्स, क्या होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव, प्राइमरी एमीन बना देते हैं। आपके एनसीईआरटी ने लिया है गुड़िया बात करें एथिल एमीन, क्या लिया है एथिल एमीन। तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब आप किसके साथ कराते हो, किसके साथ कराते हो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, माने ये बेटा बात करें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है,
इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करा रहे हैं बताओ बेटा, बात करें एथिलेमिन के साथ। एथिलेमिन मतलब C2H5 एथिल आ गया, इसके साथ क्या जोड़ दिया अपन ने, NH2। क्या जोड़ दिया जल्दी बोलो, NH2 एक एच, और ये गुड़े बात किया इसका क्या था, दूसरा एच। जैसे आपने एथिलेमिन देखो, दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलोगे, NH3 में से एक अपने नाइट्रोजन हटा के क्या जोड़ दिया, कार्बन जोड़ दिया, प्राइमरी एमीन है। कौन सा एमीन है दोस्त, प्राइमरी वन डिग्री एमीन है, ठीक है, वन डिग्री या प्राइमरी एमीन, ठीक है। तो यहां से क्या निकल गया एच प्लस, यहां से क्या निकल गया सी एल निगेटिव, मतलब क्या हट गया बेटा बात करें, माइनस एच सी एल, जो हट गया बाई प्रोडक्ट उसको ध्यान ही मत दो। लेकिन अब गुड़िया क्या हुआ, नाइट्रोजन की एक बैलेंसी कम, सल्फर की एक बैलेंसी कम, दोनों को आपस में जोड़ दिया, जोड़ोगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको बताओ बेटा बात करें, एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या बनेगा जल्दी बोलो, एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, एस डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही लिखा रहे, बस गुड़िया बात करें सी एल गया तो एक बैलेंसी कम थी तो उसको नाइट्रोजन से अपने डायरेक्ट जोड़ दिया, नाइट्रोजन का एच गया था तो एक बैलेंस इसकी भी कम थी इसलिए आपस में जुड़ गए, इसका एक एच रखा रह दिया और क्या लिख दिया आपने C2H5। अब जब आप इसका नाम लिखोगे तो आपको एमाइड का फॉर्मूला याद है दोस्तों, एमाइड में क्या होता है, NHCO बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, कुछ अगर आपको याद है। लेकिन कार्बन की जगह यहाँ पे कौन आ गया, सल्फर आ गया, तो क्या फर्क हो गया, अब इसको अपन एमाइड की जगह बोलते हैं सल्फोनामाइड, क्या बोलते हैं सल्फोनामाइड, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये गुड़े बात कर हमारे, अच्छा तो ये तो हो गया सल्फोनामाइड इतना पूरा, लेकिन ये मैडम पीछे सब्स्टिट्यूट है तो ये कहां जुड़ा है, एन पर, तो इसलिए अपन बोलते हैं इसको एन एथिल गुड़े बात कर रहे हैं बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या बोलते हैं, पहले बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, एन से एथिल जुड़ा हुआ है इसलिए बोलते हैं एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, समझ पा रहे, तो ये कंडीशन है एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, एनेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा ये बताओ गुड़े बात करें, अगर इसके बारे में बात करें, ये एसिडिक है कि बेसिक है, अब इसके पास एक हाइड्रोजन है, क्यों, क्योंकि गुड़े बात करें, अगर बेटा बात करें इसका बॉन्ड, ये सल्फर का बॉन्ड कौन लेता है रेजोनेंस के द्वारा, ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, सल्फर पे पॉजिटिव, सल्फर पॉजिटिव आएगा तो सल्फर इलेक्ट्रॉन कहां से मांगेगा, नाइट्रोजन से, नोडल गुड़े बात करें बेंजीन से मांग सकता है लेकिन थोड़ी बहुत इफेक्ट तो बगल वाले पे भी डालेगा ना, अगर इससे मांगेगा तो नाइट्रोजन गुड़े बात करिए नेगेटिव होगा कि और नेगेटिव बढ़ गया, नाइट्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन मांगेगा नाइट्रोजन के ऊपर गुड़े बात करें, अगर उसका 1% की इलेक्ट्रॉन कहीं सामने वाले की मदद में निकल गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव उतना आएगा कि नहीं आएगा, और नाइट्रोजन एक तो मोर नेगेटिव, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया तो मतलब और ज्यादा नेगेटिव, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव है, ऑक्सीजन पॉजिटिव की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है कि दोनों ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, इनमें से मुझे बताओ कि नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन पॉजिटिव, क्योंकि अब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो नेगेटिव चार्ज के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव नेचर रखता है, उसका साइज ज्यादा छोटा हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपको लग रहा है लेकिन आपको दीदी बात करें रियल में ये पता नहीं चल रहा है कि ऑक्सीजन जो नेगेटिव है वो बन चुका है बेटा बात करें क्या, उसके पास इलेक्ट्रॉन हो चुका है, समझ पाया, तो उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका साइज क्या हो चुका है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा बड़ा हो चुका है, और ऑक्सीजन तो रियल में ऑक्सीजन ही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन अपन बेटा बात करके इसको देखें पॉजिटिव को देखें तो ये दीदी बात कर रहे हैं रियल अगर साइज के रिस्पेक्ट में देखो ना तो इसका साइज और छोटा हो गया, और छोटे का मतलब ये और आगे एक लेवल स्टेप पे बढ़ गया, तो आपको रियल में ये फ्लोरीन की जैसा दिखेगा, किसकी तरह दिखेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव की जो बेटा बात करें हमारे पास नेगेटिविटी है वो लगभग फ्लोरीन की तरह होती है और फ्लोरीन बन जाता है, आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है यहां पर देखना साइज, साइज की बात कर रहा हूं मैं, समझ पा रहा इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को क्या लग रहा है कि ये ऑक्सीजन बन ये फ्लोरीन बन चुका है, हाँ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन है लेकिन इसका नेचर पूरे फ्लोरीन की तरह अब नहीं बचा क्योंकि इसकी नेगेटिविटी कम हो चुकी है एक इलेक्ट्रॉन आते ही, ये पहले बात तो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा था क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन कमी थी, अपने एक और निकाल दिया, तीन की कमी आ गई, अब और ज्यादा भूखा हो गया तो इसकी नेगेटिविटी क्या हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की बेटा रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ी तो उसकी गुड़े बात का नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ये बात समझ में आ रहा है, तो सोचो बेटा अगर सल्फर पे पॉजिटिव आएगा तो सल्फर क्या करेगा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर थोड़ी बहुत पॉजिटिव भी आया उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब वो क्या करेगा, वो गुड़े बात कर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और हाइड्रोजन को बेचारे को किसके फॉर्म में निकाल देगा, जल्दी बोलो H प्लस के फॉर्म, किसके फॉर्म में निकालेगा, मतलब गुड़े बात कर अभी भी इसमें हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में निकालने की क्षमता है, मतलब इसका नेचर कैसा है एसिडिक नेचर, कैसा नेचर है बेटा एसिडिक नेचर का है, जो आपका एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड है उसका नेचर एसिडिक है ड्यू टू बेटा बात कर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, गुड़े बात करें कहां पे ऑन बेटा बात कर नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जो गुड़े बात करें जुड़ा हुआ बेंजीन सल्फोन, जो बेटा बात कर बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप है
ये क्या है, हाईली नेगेटिव है गुड़े बात करें। ये इलेक्ट्रॉन गुड़े खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, मतलब अपन बोल सकते हैं मोर बेटा बात करें क्या एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के एच प्लस के फॉर्म में निकलने को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। क्या करता है, प्रमोट करता है, मतलब ये वाला ग्रुप नाइट्रोजन की नेगेटिविटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और हाइड्रोजन को एच प्लस के फॉर्म में निकालता हो। अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन को एच प्लस के फॉर्म में निकाल रहा है, मतलब उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर। अगर एसिडिक नेचर है तो इसका मतलब किससे रिएक्शन करेगा, किसी बेस के साथ। बेस क्या करता है, जो एच प्लस को लेता है, एसिड क्या होता है, जो एच प्लस को देता है। मतलब अगर कोई बेस आ गया तो उससे फटाफट रिएक्शन करेगा अभी भी, क्योंकि इसके पास एक एच है, एक एच ही निकाल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर कोई बेस आ जाए, बेस मतलब क्या होता है, लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप, लुइस बेस, या फिर एच प्लस एक्सेप्टिंग ग्रुप। एच प्लस डोनेटिंग ग्रुप को बोलते हैं एसिड और एच प्लस लेने वाले को बोलते हैं बेस। तो ये किसी बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो इसलिए अपने लिखा बेटा बात करिए, जो कंपाउंड है ये क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर का है, मतलब क्या कंडीशन है, सोल्यूबल इन, बेटा बात कर जल्दी बोलो कहां पे, सोल्यूबल इन, गुड़े बात करें एल्केलाइन सोल्यूशन। अगर कोई बेटा बात करें एल्किल ग्रुप है तो उसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, इसका मतलब उसमें सोल्यूबल है, क्या है, उसमें सोल्यूबल है। अच्छा, सोल्यूबल एल्केलाइन सॉल्यूशन में सोल्यूबल क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। क्या है बताओ बेटा बात कर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोला था, एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। जब अपन ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ने गए थे तब वहां पर लिखवाया था, अगर कोई हाइड्रोजन कभी बेटा बात करें मोर नेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, जैसे नाइट्रोजन, पर कभी जुड़ा है, मतलब कभी ऐसे एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हो जिसकी नेगेटिविटी 3 या मोर देन 3 हो, तो वहां से हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में निकलेगा, मतलब वो कंपाउंड एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कुछ समझ में आ रहा नहीं है। दूसरी कंडीशन, ये मेरी बात नहीं है, ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी ने लिखी है, किसने लिखी है। अच्छा, अब दूसरा लिखते अपन बेटा बात करें क्या, टू डिग्री मतलब क्या होता है, सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी जो बेटा बात करें एमीन है, क्या है, सेकेंडरी एमीन, उसकी रिएक्शन देखना है। क्या बेटा बात करें, वो आपके हिंसबर्ग रीजन से रिएक्शन करेगा, करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे आपने ये तो बनाया बेटा बात करें क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का मतलब क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट। समझ पा रहे, ये तो आपने अभी बनाया हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या सेकेंडरी एमीन रिएक्शन करेगा, करेगा। पूरे बात कर, सेकेंडरी एमीन क्या होता है, जब अमोनिया के दो हाइड्रोजन को अपन किसी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, कार्बन वाले ग्रुप से रिप्लेस कर दो, एक हाइड्रोजन बचा रहा, पूरे बात कर, और एक हाइड्रोजन को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया था, पहले ही प्राइमरी में कर चुके थे एथल से, और दूसरे हाइड्रोजन को भी मैंने किसी दूसरे एथल से रिप्लेस कर दिया। मैं एथल लिख रहा हूं, आप एथल की जगह मेथिल प्रोपाइल बेंजील कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने वही लिखा जो आपके एनसीईआरटी ने लिखा है। अच्छा, क्या बेटा बात, यहां से अभी भी एच है, हाँ है, अगर एच है इसका मतलब बुढ़िया बात कर यहां से क्या निकल जाएगा, एच प्लस, यहां से सीएल नेगेटिव हट गया। समझ पा रहे हो, तो क्या निकल गया यहां से गुड़िया, जल्दी बोलो, यहां से निकल गया HCl। अगर HCl निकल गया तो अभी नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कम, सल्फर की वैलेंसी कम, यहां से Cl नेगेटिव के फॉर्म निकला, कार्बन सल्फर पे पॉजिटिव, यहां से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकला, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, तो ये नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसमें रोक के रखा है अपने पास, वो किसको देगा, सल्फर को देगा। तो ये तो बताने की जरूरत है, तो ये बॉन्ड ये लेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जा रही, तो उनको समझ में आने लगा। तो ये बेटा बात कर, नाइट्रोजन इस बॉन्ड के द्वारा सल्फर से जुड़ जाएगा, दोनों की बैलेंसी बराबर हो जाएगी, और इस तरीके से आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा NN डाइएथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या बन जाएगा बेटा, ये तो बेंजीन आया, ये सल्फोनिल ग्रुप है, Cl गया तो ये किससे जुड़ गया, N बुरे बात करें ग्रुप से, मतलब ये C2H5, और ये भी क्या आ गया, C2H5। अब अगर अपन देखें क्या इसका ऑक्टेट पूरा है, बिल्कुल पूरा है, इसका तो ऑक्टेट पूरा ही है, ठीक है, पर इसका नाम क्या होगा, ये है बेंजीन सल्फोनामाइड। जैसे C डबल बॉन्ड O और बेटा बात कर N को अपन बोलते हैं क्या, अमाइड बॉन्ड। वैसे दीदी बात कर, सल्फर अगर डबल बॉन्ड O है और नाइट्रोजन है, तो अमाइड चीज अपन बोल रहे हैं सल्फोनामाइड। क्या बोल रहे हैं, अच्छा इनको तो आपने बेटा बात कर बोला ही नहीं, तो इनको बोल देते हैं, ये सब्सिट्यूट आ गया ना, N पर एथिल, N पर एथिल, तो N N डाइएथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड। ये है बेटा बात कर सल्फोनामाइड ग्रुप, चाहे इसको देखो और चाहे बेटा बात कर आप इसको देखो, समझ में आ रहा है, ये सल्फोनामाइड ग्रुप है। तो अपन ने क्या नाम दिया इसको बताओ गुड़िया, नाम क्या दिया इसको अपन ने, नाम दिया बिल्कुल एन कोमा एन डाय एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा, एन एन डाई एथल बेंजीन सल्फोनामाइड जो है, क्या गुड़े बात करें, ये एसिडिक है नेचर में,
एसिडिक वो होता है जो एच प्लस निकाल सकता है, क्या इसके पास एच प्लस है भी? नाइट्रोजन के पास कोई दीदी बात करें, पता है एच प्लस नहीं है, आप उठा के देखो एथेल एथेल और ये है, क्या इसके पास एच प्लस है जैसे यहाँ पे था? नहीं है। ये गुड़े बात कर हमारे पास कैसा होता है? नॉन एसिडिक। क्या होता है बेटा? तो क्या ये एल्कली सॉल्यूशन से रिएक्शन कर सकता है? कैसे कर सकता हूँ, मेरा नेचर ही एसिडिक नहीं है, तो मैं बेस के साथ कैसे रिएक्शन कर सकता हूँ? तो अपन क्या बोल सकते हैं? गुड़े बात के इनसॉल्युबल, बिल्कुल। मतलब बेटा बात कर क्या है? नॉन एसिडिक। नॉन एसिडिक किसका मतलब क्या है, जल्दी बोलो। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन बेटा बात कर क्या, एल्केलाइन सॉल्यूशन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एल्केलाइन सॉल्यूशन में क्या है, इनसॉल्युबल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन में डिफरेंशिएट हो गया क्या? प्राइमरी एमीन बेटा बात करें वो एमीन होता है जो बेटा बात करें बेंजीन सल्फोनामाइड में आने के बाद भी एसिडिक नेचर रखता है और वो बेस के साथ रिएक्शन करता है, मतलब बेस के सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। प्राइमरी एमीन वो एमीन होता है जो बेंजीन सल्फोनामाइड बनाने के बाद भी एसिडिक बेटा बात करें पता नेचर रखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन हाइड्रोजन, वन एसिडिक हाइड्रोजन, वन एक्टिव हाइड्रोजन। सो बेटा बात क्या पता है, बेंजीन सल्फोनामाइड बेटा बात के सॉल्युबल इन बेसिक सॉल्यूशन। बट सेकेंडरी एमीन गुड़े बात डज नॉट हैव बेटा बात करें एनी एसिडिक हाइड्रोजन, सो इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली सॉल्यूशन। ये किसी भी सॉल्यूशन एल्कली सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है। अब अगर गुड़े बात करें, अगर देखा जाए टर्शियरी एमीन, आप बताओ, आपने कहा कि टर्शियरी एमीन के बारे में भी तो बताओ, थ्री डिग्री एमीन बोलो या उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, टर्शियरी एमीन। तो टर्शियरी बेटा बात का जो एमीन है क्या वो बेंजीन सल्फोनामाइड से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरा एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। आपको अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करना है, बिल्कुल करो। उसने कब रोका? उसने कहा मैं तो आपके लिए तैयार हूं, मैं तो आ रहा हूं। आप क्या तैयार हो मुझसे रिएक्शन करने के लिए? और तैयारी का मतलब क्या है, क्या आपके पास एक भी हाइड्रोजन है? क्योंकि मेरे पास तो क्लोरीन निकालना है मुझे, पर आपके पास हाइड्रोजन तो होना चाहिए। और जब भी गुड़े टर्शियरी बेटा बात कर रहे हैं एमीन बनाने जाओगे तो उसके आपको पता है कि आप तीनों हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर चुके हो, एथर ग्रुप से, मतलब एल्किल ग्रुप से, मतलब आर ग्रुप से। अब मैं एथर ले रहा हूं, आप चाहो तो यहां एथर उठा लो। आपने उठाए गुड़े बात करें, बताओ यहां पे क्या C2H5, क्या बताओ यहां पे नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। गुड़े बात करें तो क्या ये रिएक्शन कर पाएगा इसके साथ? समझ में आ रहा है? यहां पे प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, रिएक्शन किया। सेकेंडरी एमीन में कम से कम एक हाइड्रोजन तो था, पर टर्शियरी एमीन में कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। अब बोलो हाइड्रोजन है तो सही, इतने सारे ये कार्बन के हैं और कार्बन का हाइड्रोजन कभी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि ये जो बेटा बात कर हाइड्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हैं और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से बहुत कम होती है, रियल में 2.5 होती है। कितनी होती है दोस्त? 2.5। इसका मतलब यहां पर अपन क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। क्या बोलेंगे? नो रिएक्शन। टर्शियरी एमीन डज नॉट रिएक्ट विथ बेटा बात करें हिंसबर्ग रिएजेंट और बेंजीन गुड़िया बात करें क्या सल्फोनिल क्लोराइड ड्यू टू बेटा बात करें एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन की एब्सेंस की वजह से यह रिएक्शन नहीं करता। ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है गुड़िया बात करें? हाँ बिल्कुल गुड़िया बात करें, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। गुड़िया बात कहां पे? इन जल्दी बोलो बेटा बात करें, टर्शियरी है 3 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन बेटा बताओ? टर्शियरी मतलब 3 डिग्री एमीन। तो टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन बेटा होता नहीं है, इसलिए किससे रिएक्शन नहीं करता, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करता, मतलब ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब अपने क्या किया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन में डिफरेंशिएट कर लिया है। अगर 5 नंबर में आया तो आपको बेटा ये रिएक्शन लिखनी, इस तरीके से ये रिएक्शन लिखनी और ये लिख देना है। आपके आपको कुछ करना नहीं है, बस ये बोल देना कि इससे रिएक्शन करके ये और ये सॉल्युबल है। अगर आप इतना भी लिख के आ जाओगे तो आपके 5 के 5 नंबर पूरे, ठीक है। साइंस ऐसा गुड़े बात कर सब्जेक्ट होता है जिसमें टू द पॉइंट लिखना पड़ता है आपको। अगर आप टू द पॉइंट की बात करते हो, आप लिखते बहुत कम हो, लेकिन आप टू द पॉइंट लिखते हो, मतलब मेन चीजें जो जो चीज है, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। यहाँ फेकोलॉजी नहीं चलती है ना, तो लिखना आपको वहां बहुत कम है, लेकिन पॉइंट की चीजें लिखनी है साइंस में, नोट कर लो इसको। इसमें कोई तकलीफ है क्या? प्राइमरी एमीन जो याद रखना आफ्टर गुड रिएक्शन सॉल्युबल है, सेकेंडरी एमीन सॉल्युबल नहीं है, टर्शियरी एमीन रिएक्शन ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है भी रीजन समझ में आ गया ना, नोट करो फटाफट।